उधर सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर यूपी एटीएस और जांच एजेंसियों ने पैनी नजर बनाए रखी है। हालांकि यूपी एटीएस ने उनसे पूछताछ में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलने का दावा किया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर से संदेह अभी भी हटा नहीं है, क्योंकि कई देश अपने दुश्मन देशों में ऐसे जासूसों को खड़ा करते हैं जो वहां लंबे समय तक रहते हुए गुपचुप तरीके से सूचनाएं भेजते हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं सीमा हैदर भी इसी तरह के प्लान का हिस्सा तो नहीं है और उन्हें किसी खास मकसद के लिए ट्रेनिंग देकर लंबे समय तक भारत में रहने के लिए पाकिस्तान से भेजा गया हो। इतना ही नहीं, संभावना तो इस बात की भी जताई गई कि कहीं भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए ही तो नहीं सीमा ने सचिन को अपना मोहरा बनाया, ताकि भविष्य में सीमा हैदर को भारत में रहने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए पहले भी कुछ लोग इस तरह की साजिश रच चुके हैं और पाकिस्तान कनेक्शन की वजह से इस मामले में जांच एजेंसियां कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुट गई हैं कि क्या सीमा हैदर ने जानबूझकर पबजी पर सचिन मीणा से दोस्ती बढ़ाई ताकि उनसे शादी करके वो भारत में बस जाए और फिर यहाँ से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर सके। एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि क्या सीमा हैदर किसी हैंडलर की मदद से भारत आई। उधर सूत्रों ने ये भी दावा किया है कि भारत में घुसने से पहले सीमा हैदर ने नेपाल से भारत में आने वाले 8 रास्तों की जानकारी जुटाई ताकि ये पता लगाया जा सके बॉर्डर पर कहां कहां ज्यादा चेकिंग होती है और जिन रास्तों पर कम चेकिंग होती है वहां से भारत में दाखिल हुआ जा सके। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर ने सुनौली, बनबसा, रक्सौल, सिद्धार्थनगर, सीतामढ़ी, कांकड़ा भिट्टा, जोगबनी और सिलीगुड़ी बॉर्डर की जानकारी जुटाई और वो सुनौली या रक्सौल बॉर्डर से भारत में दाखिल होना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसे बताया कि वहां से जाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये बॉर्डर ऐसे हैं जहां पर भारत और नेपाल के नागरिक ही जा सकते हैं और किसी को यहां पर तीसरे देश के नागरिक को बिना वीजा के प्रवेश नहीं मिलता है। सूत्रों के मुताबिक इसलिए सीमा ने सिद्धार्थनगर बॉर्डर को चुना क्योंकि उसके किसी जानकार ने बताया कि वहां नेपाल से आने वाले बाकी रास्तों के मुकाबले कम चेकिंग होती है। उधर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के मामले में यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया। उन दोनों पर सीमा हैदर और सचिन मीणा के आधार कार्ड समेत दूसरे दस्तावेजों से छेड़छाड़ के आरोप लगे, जिसके बाद यूपी एटीएस पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा नाम के 2 भाइयों को पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक ये दोनों भाई बुलंदशहर के अहमदगढ़ में जन सेवा केंद्र चलाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के कस्बे सचिन मीणा की रिश्तेदारी है और वहाँ उसका ननिहाल है। ये जानकारी भी सामने आई कि सीमा हैदर के नोएडा पहुंचने के बाद शादी करने के लिए दोनों बुलंदशहर पहुंचे थे, इसीलिए यूपी एटीएस ने उनके दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के आरोप में पकड़े गए दोनों भाइयों से पूछताछ शुरू कर दी। इधर राजस्थान के अलवर जिले से सीमा हैदर जैसा ही एक मामला सामने आया। खबर है कि वहाँ भिवाड़ी इलाके की रहने वाली एक महिला अपने प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान चली गई और उस महिला के पाकिस्तान जाने की सूचना उसके पति को न्यूज के जरिए मिली। बताया गया कि अंजू नाम की वो महिला अपने पति से जयपुर जाने की बात कहकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पहुंच गई। सर मेरी बात हुई थी कि जयपुर जानी उन्हें, ठीक है, उसके बाद फोन नहीं लग रहा, अभी मेरे को मालूम बताइए कि लाहौर में। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक 2 बच्चों की मां अंजू की पख्तूनख्वा के रहने वाले नसरुल्ला से फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर उससे प्यार हो गया, जिससे मिलने के लिए वो पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां की सुरक्षा एजेंसियों से शक के आधार पर अंजू को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है।